हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट की थी, जिसके मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, और 3 के सारे पार्ट आपको करवाए थे। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 की स्टेटमेंट आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। इफ़ एक्स इज इक्वल टू कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा एंड y इज इक्वल टू कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, देन प्रूव दैट दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन इज द सेकेंड पार्ट। तो हम फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्या है कि x माइनस वाई अपोन एक्स प्लस वाई को हमें आयोटा टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के इक्वल प्रूव करना। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है कि x की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू क्या है, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। उसके बाद यहां माइनस कर दीजिए किसको, वाई को, वाई की वैल्यू ये है, तो ये हुआ कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, क्लियर, अपोन। अब एक्स की वैल्यू दोबारा फिर यहां कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, अब माइनस की जगह प्लस आ गया अभी, तो अब है कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। अभी तक फर्स्ट स्टेप में हमने कुछ नहीं किया, बस एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई रख दिया। उसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अब कोस अल्फा और ये क्या है माइनस का कोस बीटा, इनको अलग लिख लेते हैं, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। और जो आयोटा वाली टर्म है, जैसे आयोटा साइन अल्फा है, माइनस का आयोटा साइन बीटा है, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेके यहाँ हम क्या लिख लेते हैं, साइन अल्फा। यहाँ पे माइनस है तो साथ में क्या जाएगा, माइनस साइन बीटा। तो ऐसे इसको लिख लेते हैं, डिवाइड में ऐसे यहाँ करते हैं, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, इसको पहले लिख लेते हैं कोस अल्फा कोस बीटा। उसके बाद प्लस आयोटा साइन अल्फा और आयोटा साइन बीटा, दोनों में से आयोटा कॉमन, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हमने लिख लिया, क्लियर। अब आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th के कुछ फॉर्मूले याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे, वरना ये क्वेश्चन आपको बाहुबली टाइप दिखाई देगा कि जो सोल्व ही नहीं होगा, यानी कि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या लगेगा, कोस सी माइनस कोस डी का, वेर सी इज इक्वल टू अल्फा एंड डी इज इक्वल टू बीटा। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि कोस सी माइनस कोस डी किसके इक्वल होता है, माइनस टू साइन सी प्लस डी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और साइन में ही रहता है अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अब ये नेगेटिव अगर यहाँ नहीं लगाना तो यहाँ बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, फार्मूला में दो टाइप से लिख सकते हो। उसके बाद अब यहाँ है प्लस, यहाँ से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ओपन करोगे तो वो होता है 2, स्टार्टिंग में आएगा कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, बाद में आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, अपोन। यहाँ से देखिए कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, ये 2 दोनों कोस में रहेंगे, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस। अब यहाँ देखिए एक आयोटा और लगा था अभी इसके साथ, तो हम 2 आयोटा लगा लेते हैं, ये भूल गए हम, तो ये आयोटा तो साथ में है ही, साइन सी प्लस साइन डी को हम क्या लिखते हैं 2, अब पहले साइन आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, क्लियर। अब ये नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव में 1 है, ये माइनस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इसको मैं आयोटा स्केयर लिख लेता हूँ भी, क्योंकि आयोटा स्केयर भी तो माइनस 1 होता है, बात एक ही है। तो अब न्यूमरेटर में से कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 2 भी है आयोटा भी है, 2 भी है आयोटा भी है, ठीक है। उसके बाद और क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 2 आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये आया कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचा भाई, यहाँ से एक तो आयोटा बच गया और साइन अल्फा बाय 2 बचा, तो यानी कि आयोटा साइन ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यहाँ से तो ये बचा, यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अब ऐसे ही डिनोमिनेटर में से हम कॉमन ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में देखो आयोटा तो यहाँ है नहीं, एक ही जगह है तो कॉमन नहीं आएगा, तो ये 2 है। उसके बाद ये कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ये भी है, तो 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमन, तो यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी, ओनली कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ध्यान से देखिए, यहाँ से देखो आयोटा भी है और साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 भी है, तो आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, क्लियर। तो अब यहाँ देखिए कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये दोनों क्या हो गए सेम, तो इन दोनों ब्रैकेट को हम उड़ा देते हैं।
तो अब टू से ये टू कैंसिल हुआ, तो यहाँ से क्या बचा, आयोटा साइन अपॉन कोस, एंगल सेम है, क्या होता है टेंजेंट, तो ये हुआ टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाय टू, और जो हमारा किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के भी, तो यही हमें प्रूव करना था, क्लियर। तो ये हुआ फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल ईजी है अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो, अदरवाइज नहीं है, अदरवाइज तो मुश्किल लगेगा फिर। तो यहाँ से सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन थोड़ा फिर बाहुबली टाइप का होने वाला है, क्योंकि इसका साइज छोटा था, इसका साइज और ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि इसमें x प्लस वाई ये देखिए काफ़ी कुछ लिखा है। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग से पहले इन ब्रैकेट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। अब ऐसे पुट करेंगे तो वो बोर्ड पे उस साइड तक चला जाएगा, वीडियो से भी बाहर हो जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में यहाँ सिर्फ x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और x प्लस वाई की वैल्यू हमने निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ निकाल रखी है डेनोमिनेटर में, ये देखो ये डेनोमिनेटर में कैंसल आउट होने से पहले ये निकाल रखी है, देखो अभी हमने निकाली थी x प्लस वाई की वैल्यू। तो मैं इसको सीधा ही लिख दूँ, जरूरत ही नहीं है दोबारा निकालने की। तो मैं इसको लिख देता हूँ टू कोस अल्फा माइनस बीटा बाय टू, यहाँ से देखिए, उसके बाद है कोस अल्फा प्लस बीटा बाय टू प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू। अब इसको ना मैं थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। शॉर्ट फॉर्म क्या है कि जैसे टू कोस अल्फा माइनस बीटा बाय टू, इसको मैं लिख लेता हूँ सिस अल्फा प्लस बीटा बाय टू। अब आपको ये लग रहा होगा कि सिस क्या आ गया, क्या मैटर है सिस का। अब सिस को समझे, अगर कोई टर्म इस तरीके से लिखे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो मैं उसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो सिस थीटा लिख सकता हूँ, जहाँ सी का मीनिंग क्या होता है कोस थीटा, ये आयोटा आयोटा है ही, और प्लस साइन और जो भी एंगल है थीटा। अगर ये लिखा है कि सिस टू थीटा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कोस टू थीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा। तो इस वजह से हमने इस शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया है, क्लियर। तो ये आई एक्स प्लस वाई की वैल्यू, तो इसको रफ कर देते हैं। उसके बाद देखिए, अब हम वैल्यू निकालते हैं x माइनस वाई की। अब इसको भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x माइनस वाई आपने अभी यही निकाला था। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी, टू आयोटा, और ये क्या है साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू, और ये सेम एज इट इज़ था, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ सिस अल्फा प्लस बीटा बाय टू, क्योंकि एज इट इज़ था तभी तो ये कैंसिल हुआ था। तो x प्लस वाई, x माइनस वाई की वैल्यू तो यहाँ से निकल गई। अब हमें चाहिए एक्स वाई माइनस वन की वैल्यू, तो हम एक्स वाई माइनस वन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इंटू में y की वैल्यू कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और माइनस में है वन, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए कोस अल्फा की मल्टीप्लाई कोस बीटा के साथ होगी, तो कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो ये क्या बनेगा आयोटा साइन बीटा बीटा और कोस अल्फा। तो अब उसके बाद आयोटा साइन अल्फा की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो आयोटा साइन अल्फा कोस बीटा, आयोटा इंटू आयोटा करोगे आयोटा स्केयर हो जाएगा भी, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, तो माइनस में साइन अल्फा साइन बीटा होगा, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस वन इज इक्वल टू क्या आया जीरो। तो अब देखो यहाँ से एक तो ये वाली टर्म उठा लो, एक ये वाली टर्म उठा लो, तो यहाँ से कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, जो किसका फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला हुआ साइन ए प्लस बी का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का, और माइनस वाला वन एज इट इज है भी, अब ए इज इक्वल टू जीरो वैसे लिख दिया, आदत हो गई है ना, तो इस तरीके से तो ये वैल्यू आई, क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो ये तो हुआ प्लस का वन, और ये हुआ माइनस का कोस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ प्लस आयोटा ये साइन अल्फा प्लस बीटा अभी के लिए एज इट इज, क्लियर। तो इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, माइनस वन माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है टू साइन स्केयर थीटा बाय टू, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाय टू प्लस आयोटा। अब इसको भी साइन टू ए की फॉर्म में ओपन करते हैं, साइन टू ए का फॉर्मूला टू साइन ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका एंगल हाफ हो जाएगा, और कोस अल्फा प्लस बीटा बाय
टू हो जाएगा अभी, क्लियर। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव जहां भी देखे उसका क्या बना लो, आयोटा स्केयर बना लो भी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, टू आयोटा, टू आयोटा दोनों जगह है, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू दोनों जगह है, तो क्या कॉमन आया, टू आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये कॉमन। यहां से वैल्यू क्या बची, एक तो आयोटा बच गया और साइन बीट अल्फा प्लस बीटा बाई टू, आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, यहां ओनली क्या बचा, कोस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टू आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और ये क्या होगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको मैं सिस फॉर्म में लिख लेता हूं, सिस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है ना। तो ये एक्स वाई माइनस वन की वैल्यू आई। अब देखिए भी हमें फर्स्ट क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला था बाहुबली टाइप का क्वेश्चन है, एक बार में नहीं आएगा, तो इसको हम हटा देते हैं और उसके बाद एक वैल्यू और निकालनी रहती है एक्स वाई प्लस वन की। अब जब आप एक्स वाई प्लस वन की वैल्यू निकालोगे तो देखो उसमें क्या चेंज आएगा, यहाँ से एक्स वाई प्लस वन करोगे तो ये सारा एज इट इज रहेगा, दिस 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 यहाँ प्लस वन हो जाएगा। अब ये वन प्लस क्या बनेगा, यहाँ जैसे यहाँ प्लस वन हो गया, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इस वाले स्टेप से, इस वाले स्टेप से जब लिखोगे तो वो बनेगा वन, तो ये है ही प्लस, अभी एक्स वाई की वैल्यू हमने ये निकाली थी, तो यहाँ से कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू आई है अभी, क्लियर। अब देखो वन प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, अब ये टू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय टू बनेगा, प्लस आयोटा साइन टू ए का फॉर्मूला ओपन करोगे तो टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू कोस अल्फा प्लस बीटा बाय टू, अब ये चेंज आया। अब जब इन दोनों में से कॉमन लोगे तो टू कोस अल्फा प्लस बीटा बाय टू कॉमन आएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या बची, कोस अल्फा प्लस बीटा बाय टू प्लस, यहाँ से वैल्यू क्या बची, ओनली आयोटा, और ये क्या है साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं टू कोस अल्फा प्लस बीटा बाय टू, और ये फिर वही सिस बन गया अल्फा प्लस बीटा बाय टू, सिस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। तो ये चारों वैल्यू आ चुके हैं, अब पुट कर लेते हैं अभी। तो जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये पुट कर दो, तो वो क्या है टू कोस, वहां से देखते हैं अल्फा माइनस बीटा बाय टू और सिस अल्फा प्लस बीटा बाय टू, ठीक है ना। अब इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई है, एक्स वाई माइनस वन, एक्स वाई माइनस वन की वैल्यू ये आई है, तो मल्टीप्लाई में लिखोगे टू आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू और सिस फॉर्म है अल्फा प्लस बीटा बाय टू। अब इसीलिए मैंने सिस फॉर्म लिखा था, अगर सिस दो यहाँ दो जगह लिखना पड़ जाता तो ये आगे फिर चला जाता, इसको फिर रेफ करना पड़ता। अब उसके बाद डिवाइड में, डिवाइड में है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू ये है, उसकी जगह लिखोगे टू आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू और सिस अल्फा प्लस बीटा बाय टू, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई प्लस वन की वैल्यू ये हमने लिखी है टू कोस अल्फा प्लस बीटा बाय टू और सिस अल्फा प्लस बीटा बाय टू। अब देखो है तो ये सारा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से देखो ये सिस और सिस फिस हो गया ये, ठीक है ना, सिस सिस फिस हो गया, इसको ये समझो कि ये सिस है, ये इस सिस से फिस हो गया, क्लियर। अब उसके बाद ये टू इस टू से कैंसिल हुआ, ये वाला टू इस टू से कैंसिल हुआ, ये वाला आयोटा इस आयोटा से कैंसिल हुआ, और कुछ बचता है, काफ़ी कुछ बचता है अभी अभी तो ये क्या बचा कि कोस अल्फा माइनस बीटा बाय टू और साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू, ठीक है ना, अपॉन यहां से इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू और ये क्या हुआ कोस अल्फा प्लस बीटा बाय टू। देखो अभी भी हमारी राइट साइड नहीं बनी, राइट साइड नहीं बनी। अब राइट साइड बनाने के लिए हमें करना क्या होगा वो देखिए, यानी कि वो जो मुद्दा है वो क्या है। अब यहाँ से हम दोनों को दो से मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड कर लेते हैं अभी,
फिर आप बोलोगे सर यहाँ कैंसिल क्यों किया था, वो तो एक अलग चीज़ थी, अब फॉर्मूला बनाना है ना। तो ये फॉर्मूला हुआ टू कोस ए साइन बी का, और ये फॉर्मूला हुआ टू साइन ए कोस बी का, दोनों फॉर्मूले हुए कि नहीं, क्लियर। तो जब टू कोस ए साइन बी ओपन करोगे तो वो बनेगा साइन, यहाँ से वैल्यू बनेगी टू कोस ए साइन बी, ये किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी बाय टू, यानी कि अल्फा माइनस बीटा बाय टू प्लस अल्फा प्लस बीटा बाय टू। अब जो फॉर्मूले में आएगा यहाँ नेगेटिव आएगा अगर कोस पहले हो तो माइनस यहाँ बनेगा साइन ए माइनस बी बाय टू, साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय टू, इन दोनों एंगल को हमने माइनस करना है। भी जब टू साइन ए कोस बी ओपन करोगे तो फॉर्मूले में प्लस आ जाएगा, यानी कि साइन ये एंगल एज इट इज रहेंगे अल्फा माइनस बीटा बाय टू प्लस अल्फा प्लस बीटा बाय टू, यहाँ जब प्लस आएगा तो वैल्यू बनेगी साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय टू, सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो अब यहाँ देखिए जब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये बीटा से तो बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा बाय टू करोगे तो क्या बचा, ओनली साइन अल्फा। अब यहाँ से नेगेटिव साइन है, जब माइनस करोगे टू तो एलसीएम है ही, अब अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल, ये माइनस बीटा और माइनस बीटा, माइनस टू बीटा बाय टू माइनस का बीटा, और साइन ऑफ माइनस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बीटा, और एक माइनस पहले है ये क्या बना देगा प्लस, तो ये क्या हुआ साइन बीटा अपोन। अब देखिए वहाँ भी प्लस है, प्लस आ रहा है हमारा, तो यहाँ साइन, इसी तरीके से जब इसको सोल्व करोगे तो साइन माइनस में क्या बनेगा साइन बीटा, क्योंकि ये साइन ऑफ माइनस बीटा बनेगा ना वो यहाँ नेगेटिव बना देगा, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड बाहुबली टाइप क्वेश्चन, जो काफ़ी अच्छा है देखने में। अब कितने सारे तो इसने फॉर्मूले बता दिए हमें, कम से कम 6-7 फॉर्मूले लगाए तब जाके हमें इसका सोल्यूशन मिला। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखिए, अब ये बोल रहा है इफ़ ए इज इक्वल टू कोस टू अल्फा प्लस आयोटा साइन टू अल्फा विद सिमिलर एक्सप्रेशन फॉर बी सी डी। इसका मीनिंग क्या है कि ये सिमिलर एक्सप्रेशन कि अगर ए लिखोगे तो कोस टू अल्फा प्लस आयोटा साइन टू अल्फा लिखना पड़ेगा, अगर बी लिखोगे तो कोस टू बीटा प्लस आयोटा साइन टू बीटा लिखना पड़ेगा, सी लिखोगे तो कोस टू गामा लिख लो यहाँ प्लस आयोटा साइन टू गामा लिखोगे, डी लिखोगे तो कोस टू इलिप्सिन लिख दो, यानी कि कुछ भी साइन आप यूज कर सकते हो। तो इसका मीनिंग ये है भी, तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है अंडर रूट ए बाय बी प्लस अंडर रूट बी बाय ए इज इक्वल टू होगा टू कोस अल्फा माइनस बीटा। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना, कि a बाय बी की निकाल लेते हैं, बाद में अंडर रूट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, कोस टू अल्फा प्लस आयोटा साइन टू अल्फा, ठीक है ना, ये टू अल्फा अपॉन b की वैल्यू लिखोगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा टू बीटा एंगल में आयोटा साइन टू बीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो a बाय बी है वो किसके इक्वल होगा, इसको लिख सकते हैं कोस टू अल्फा प्लस आयोटा साइन टू अल्फा, और ये जो कंप्लीट है ना इसकी पावर ऊपर माइनस वन कर लेते हैं, तो कोस टू बीटा प्लस आयोटा साइन टू बीटा की पावर माइनस वन। अब डिमोवियर थ्योरम का यूज करते हैं, माइनस वन इनके एंगल में लगा लेते हैं, तो कोस ऑफ माइनस का टू बीटा तो कोस टू बीटा ही हो जाएगा, और साइन ऑफ माइनस का टू बीटा क्या बनेगा, माइनस का साइन टू बीटा, और वो नेगेटिव यहां लगा लेते हैं इस तरीके से, इनके माइनस वन को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं कोस टू अल्फा की कोस टू बीटा के साथ, कोस टू अल्फा कोस टू बीटा, ठीक है ना। उसके बाद कोस टू अल्फा की मल्टीप्लाई यहां करोगे तो माइनस आयोटा साइन टू बीटा और कोस टू अल्फा, उसके बाद आयोटा साइन टू अल्फा की बारी आई तो प्लस आयोटा साइन टू अल्फा और कोस टू बीटा। अब प्लस माइनस माइनस ये क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर साइन टू अल्फा और साइन टू बीटा, साइन टू अल्फा और साइन टू बीटा हमने मल्टीप्लाई कर दी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो इसको क्या बना देगा ये प्लस। अब जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है वो देखो, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए माइनस बी का, यानी कि टू अल्फा माइनस टू बीटा का, क्लियर। अब इसमें से प्लस आयोटा ले लेते हैं कॉमन, जब प्लस आयोटा कॉमन लोगे यहाँ से तो ये क्या बनेगा, साइन टू अल्फा कोस बीटा, यानी कि साइन ए कोस बी, और माइनस में बनेगा ये
कोसे साइन बी, जो किसका फॉर्मूला होगा, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, टू अल्फा माइनस क्या बनेगा ये, टू बीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया भाई, ए बाय बी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अब मुद्दा क्या है, अगर हमें इसका क्या निकालना हो, अंडर रूट, तो इस कंप्लीट की जो पावर है हमें क्या करना पड़ेगा, वन बाय टू करना पड़ेगा। क्लियर। अब ये किस फॉर्म में आ चुका है, सिस फॉर्म में, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखो थीटा दोनों जगह सेम है। अब वन बाय टू है, तो यूजिंग डी मोवियर थ्योरम इसको वन बाय टू को एंगल में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, कोस टू अल्फा बाय वन, टू करोगे तो ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन ये भी अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा भी। ये किसकी वैल्यू आई, अंडर रूट ए बाय बी की। क्लियर। अब वैल्यू निकालते हैं अंडर रूट बी बाय ए। जब आप बी बाय ए लिखोगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बाय बी का इनवर्स, उल्टा है ना, ए बाय बी। और ए बाय बी क्या आया था, ये वाला था, यानी कि अंडर रूट करने से पहले जो ये आया था, इसका इनवर्स। इनवर्स करोगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, कि कोस टू अल्फा माइनस टू बीटा प्लस आयोटा साइन टू अल्फा माइनस टू बीटा, इसकी पावर क्या है, माइनस वन, जो किसके इक्वल है, बी बाय ए के। जब माइनस वन यहां अंदर लेके आओगे तो मुद्दा थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अब उल्टा कैसे होगा, उसके बाद इसका हमें क्या करना है, अंडर रूट भी निकालना है बी बाय ए का, तो इसका भी हम क्या कर देंगे, अंडर रूट, और इसकी भी पावर वन बाय टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का वन बाय टू हो जाएगा भी। तो ये भी अलग सिस्टम हो गया। तो इसको देखो, माइनस के वन बाय टू से मल्टीप्लाई करोगे तो एक कोस, अब एंगल चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा। तो ये कोस बीटा माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन, यहाँ भी क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फा। तो ये भी सिस फॉर्म होगी भी, ठीक है ना। तो ये ए बाय बी यहाँ से इस तरीके से। तो अंडर रूट ए बी की वैल्यू, अंडर रूट ए बाय बी ये है, अंडर रूट बी बाय ए ये है। हमने क्या करना है, दोनों को ऐड। तो हम इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, कहाँ से था, ये वाला यहाँ सोल्व होके आया था, और ये लास्ट में ये सोल्व होके आया, ठीक है ना। तो बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड यहाँ से लेफ्ट साइड से ऐड करोगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट ए बाय बी प्लस अंडर रूट बी बाय ए इक्वल टू, यहाँ देखो जब ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, कोस अल्फा माइनस बीटा है, और ये कोस बीटा माइनस अल्फा है। अगर मैं इसको दोनों को ऐड करूँ और इसमें से नेगेटिव कॉमन ले ले, यहाँ से देखो इसको मैं लिख देता हूँ, कोस अल्फा माइनस बीटा प्लस इसके एंगल में से अगर नेगेटिव कॉमन ले ले, कोसो माइनस थीटा किसके इक्वल रहेगा, कोस थीटा, यानी कि बीटा माइनस अल्फा है, इसको अल्फा माइनस बीटा कर लो, बात तो एक ही है। प्लस अब ये है आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये है आयोटा साइन बीटा माइनस अल्फा, इसमें से जब एंगल में से नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर। तो ये हुआ सारा मेन मुद्दा, यानी कि साइन में से एंगल में से नेगेटिव कॉमन लिया तो नेगेटिव बना देगा। तो ये तो दोनों हुए कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या आई, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो टू कोस अल्फा माइनस बीटा। एक बार चेक कर लीजिए राइट हैंड साइड है कि नहीं, तो ये हमारी क्या बन गई, राइट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड है इन्हीं का यूज करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट ये थी भी, तो यहाँ से हम लिखेंगे कोस अल्फा माइनस बीटा प्लस ये था आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा, इसमें से हमें माइनस करना है सेकेंड, सेकेंड क्या है, कोस बीटा माइनस अल्फा, कोस बीटा माइनस अल्फा। उसके बाद ये है आयोटा साइन बीटा माइनस अल्फा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन बीटा माइनस अल्फा। अब देखो कोस अल्फा माइनस बीटा और माइनस का कोस बीटा माइनस अल्फा, ये तो कैंसिल हो गए, क्योंकि कोस ऑफ थीटा और कोस ऑफ माइनस थीटा इक्वल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ से जो वैल्यू बची वो है आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस, अब एंगल हमें अल्फा माइनस बीटा में चाहिए, ये बीटा माइनस अल्फा है, एंगल में से नेगेटिव कॉमन लोगे तो वो बार वाले को क्या बना देगा, पॉजिटिव, तो साइन अल्फा माइनस क्या हो गया, बीटा। दोनों को ऐड करोगे आयोटा प्लस आयोटा टू आयोटा
साइन अल्फा माइनस क्या हो जाएगा बीटा, तो ये सेकंड में क्या हुई हमारी राइट हैंड साइड हुई भी, क्लियर। अब आते हैं थर्ड पे, तो थर्ड को सोल्व करने से पहले मैं इसको यहाँ फर्स्ट सेकंड को हटा देता हूँ भी। अब थर्ड थोड़ा सा अलग है कि अंडर रूट ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो थर्ड पार्ट में है यहाँ जो हमें ए की वैल्यू गिवन थी वो ये थी कि कोस टू अल्फा प्लस आयोटा साइन टू अल्फा लेना है भी, और जो बी आपने लेना था सिमिलरली कोस टू बीटा और प्लस आयोटा साइन टू बीटा लेना है, और ऐसे ही जब सी आप लोगे तो वो गामा ले लेते हैं उसमें कोस टू गामा प्लस आयोटा साइन टू गामा हो गया, क्लियर। अब हमें ए बी सी तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, जब ए बी सी की आप तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपकी इस तरीके से बनेगी। ए की वैल्यू क्या है, सिस टू अल्फा फॉर्म है कि नहीं, इसकी वैल्यू क्या है सिस टू बीटा है, इसकी वैल्यू क्या है सिस और ये क्या है टू गामा है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये फॉर्म बनेगी सिस टू अल्फा प्लस टू बीटा और प्लस टू गामा, ये वाली फॉर्म बन जाएगी ए बी सी की। लेकिन हम क्या करेंगे कि जो ए बी सी है, ए बी सी की वैल्यू आई है, हमें चाहिए ए बी सी का अंडर रूट, तो इसकी पावर वन बाय टू कर देते हैं। सिस का मीनिंग क्या होता है, सिस का मीनिंग क्या होता है, कोस थीटा की वैल्यू क्या है टू अल्फा टू बीटा टू गामा प्लस आयोटा साइन ये टू अल्फा टू बीटा और टू गामा, ये फॉर्म है। तो इस साइड भी हमें क्या करनी पड़ेगी, पावर वन बाय टू। जब पावर वन बाय टू होगी तो एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो वन बाय टू से यानी कि टू से डिवाइड हो गए सारे, तो ये क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वैल्यू आई ए बी सी के अंडर रूट की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी का अंडर रूट। जब आप वन बाय अंडर रूट ए बी सी निकालोगे, ठीक है ना, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वन बाय ये वैल्यू आएगी वन के डिवाइड में ये, और इसका मीनिंग क्या होता है वन के डिवाइड में, यानी कि इसकी पावर हम माइनस वन कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की पावर माइनस वन सारे की पावर, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि वन के डिवाइड में ये है तो वन के डिवाइड में हमने लिख लिया। माइनस वन की जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कोस पे तो कोई इफेक्ट नहीं, कोस ऑफ माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनकी कोस थीटा ही रहेगा, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा क्या बनेगा माइनस का साइन थीटा, तो माइनस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाएगा, क्लियर। तो ये दोनों फॉर्म हो चुकी है अभी, ये आपकी इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं अभी। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो ये फर्स्ट ये है सेकंड ये है, ये कोस अल्फा बीटा गामा कोस अल्फा प्लस बीटा गामा दो हो गए ऐड होके, तो ये क्या बनेगा टू कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये देखो ये दोनों क्या है माइनस के, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। दिस मीन्स ये किसके इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो ये था डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर थर्ड, थोड़े से लेंथी हैं, समझने में थोड़े टिपिकल आपको लग रहे होंगे, लेकिन इतना भी नहीं, अगर मेहनत करोगे तो ये चीज़ें भी आसान हो जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि जो क्वेश्चन हमें मुश्किल लगता है भी ये तो बहुत मुश्किल चैप्टर है, इसको छोड़ देते हैं भी। जब आप उस चैप्टर को छोड़ देंगे वो तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया ना, यानी कि उस चैप्टर को ज़्यादा टाइम दो, इस टाइप के 10-20 क्वेश्चन लगा दो, ये जैसे ऐसे लगेगा हम काउंटिंग सीख रहे हैं, यानी कि इतना ईजी हो जाएगा। यानी कि कोई भी चीज़ मुश्किल हो अगर हम उस पर बार बार वर्क करते हैं तभी वो चीज़ आसान होगी, अगर उसने आपको छोड़ दिया यानी कि उसको आप स्किप कर देते हैं दिस मीन्स आपने उसको और ज़्यादा मुश्किल बना दिया, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और बाकी के जो 3 पार्ट है वो आप खुद से करेंगे, अगर ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ से हो जाएगा भी।